कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा जाके अनरजिस्टर्ड स्कूल में पढ़े। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। कल के मानसून अधिवेशन में रईस के सवाल पर दीपक वसंत केसरकर एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि वो भिवंडी और गांवडी का दौरा करेंगे और वहाँ के हालात का जायजा लेंगे। अधिवेशन संपल्यानंतर लगेज मी भिवंडीला भेट देईन, आपलं सोल्यूशन काढेन। तोपर्यंत कुठलंही स्कूल आम्ही बंद केलेलं नाही। आपला एक सेल्फ फायनान्स ऍक्ट आहे, त्याच्यामध्ये 5 गुंठे शहरामध्ये आणि जे ग्रामीण भाग असतो त्याच्यामध्ये 1 एकर जमीन किमान लागते। इथं काही प्रॉब्लेम शाळांना फेस करता जसं आढळून आलेलं आहे, तर काल म्हणजे याच्यावर डिटेल चर्चा सुद्धा झाली आणि अगोदर सुद्धा झालेली होती की सेल्फ फायनान्स ऍक्टमध्ये काही प्रमाणात जर सवलत द्यायची असतील तर ते अधिकार सुद्धा आपण शासनाकडे ठेवलेले नाही आहेत। ते अधिकार घेतले तर काही शाळा अशा सुद्धा आढळून आलेल्या आहेत की ज्यांना 5 गुंठे पाहिजे परंतु 4 गुंठे 90 वगैरे असं सुद्धा काही ठिकाणी आढळून आलेलं आहे। काही शाळांना जिथं 25 लाख रुपये आपण डिपॉझिट घेतो ते काही लोकांनी भरलेलं नाही असं आढळून आलेलं आहे। जेवढ्या रेग्युलराइज करता येतात तेवढ्या आपण रेग्युलराइज करू, परंतु काही शाळा अशा आढळून आलेल्या आहेत की ज्यांनी आपल्याकडे आपण एस्टॅब्लिश करण्यासाठी एक परमिशन देतो आणि चालू करण्यासाठी एक एनओसी देतो, काही लोकांनी एनओसी घेतलेल्या नाहीत, तर त्यांना साधारण 6 महिन्याची मुदत देऊन त्या मुदतीमध्ये त्यांनी हे एनओसी प्राप्त करून घ्यावी असं सुद्धा धोरण ठरवण्याचा आम्ही विचार करतोय। अध्यक्ष महोदय, आशिष शेलारजी ने पहिला प्रश्न ये पूछा था कि इस तरह की इल्लीगल शाळा क्यों बनती है। मैं उसका उत्तर कई माध्यम से प्रश्न बताने की कोशिश करूंगा। गोवंडी यानी एमएस वार्ड ले लीजिए। आज एमएस वार्ड में 58,000 बच्चे म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ रहे। आज एमएस वार्ड की 3 बड़ी शाळा रिकंस्ट्रक्शन में, यानी वहां पे आप म्युनिसिपल स्कूल में ही इंटेक नहीं ले पा रहे हो, इसलिए वहां पर इल्लीगल स्कूल बनते हैं। बच्चे जाएंगे कहां? अभी आप भिवंडी देखिए, मेरे यहाँ पे 47 बिल्डिंग्स है म्युनिसिपल स्कूल की। अब उनके पास कोई फंड नहीं, नई स्कूल लोग बनाते नहीं, बल्कि रिकॉर्ड पे डिक्लाइन करते कि हम एडमिशन नहीं दे सकते, इसलिए इल्लीगल स्कूल बनती है। आशीष शेलार जी का पहला जो प्रश्न है ना, वो सरकार को आंसर करना चाहिए कि सरकार अपनी जवाबदारी, लोकल बॉडी अपनी जवाबदारी पूरी नहीं कर पा रही है, करके इल्लीगल स्कूल में माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा जाके अनरजिस्टर्ड स्कूल में पढ़े। मंत्री महोदय जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कई डेलीगेशन आपके पास आए, आपको मालूम है। इस विषय पे टेक्निकल ग्राउंड्स पे मत देखिए, आप बिल्कुल ये देखिए कि उस पर्टिकुलर म्युनिसिपल वार्ड या उस पर्टिकुलर शहर में आपका शिक्षा का स्तर क्या है। आपके हमारे बच्चों के माँ बाप इल्लीगल स्कूल में बच्चे भेजने के लिए क्यों मजबूर होते हैं? आशीष शेलार जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि सरकार से बोलिए कि ये जो मापदंड, ये कमेटी बनी है ना, ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे बनी है। आप खुद नगर सेवक रहे हैं, आप बताइए एमएस वार्ड में एक गरीब माँ बाप का बच्चा जिसको म्युनिसिपल स्कूल में जगह नहीं मिल रही वो कहां जाएगा? आप जो अभी स्कूल बंद करने जा रहे हो ना, और स्कूल करने भी अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं मालूम है, इनके शिक्षण अधिकारी नोटिस देते हैं कि आप ये 700 बच्चे 800 बच्चे, मेरे पास जो स्कूल आई 8th स्टैंडर्ड तक है अध्यक्ष महोदय, एक रात में कहते हैं कि अपने बच्चों को शिफ्ट करो। किधर शिफ्ट करो? म्युनिसिपल स्कूल में जगह नहीं, कोई प्राइवेट स्कूल दूसरे स्कूल के बच्चे लेता नहीं, हजारों बच्चे। आशीष भाई, आपका प्रश्न जो है बराबर है, लाखों की तादाद में बच्चे हैं जो आज बिल्कुल डर के वातावरण में पढ़ रहे हैं। मंत्री महोदय जी, आप सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, इस तरह से टेक्निकल आंसर मत दीजिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देख के इसका आंसर दीजिए। भिवंडी मधली जी परिस्थिती आहे त्याच्यामध्ये मी आमदार साहेबांना आश्वासन दिलेलं होतं की मी स्वतः तिथं म्युनिसिपल स्कूल्सना भेट देऊन काही मी डेट दिली होती, परंतु आमदार साहेब त्यावेळेला उपलब्ध नव्हते। बंद कुठली केली? ज्यांनी खोटी कागदपत्र तयार केलेली होती, खोटी सर्टिफिकेट्स तयार केली, बोगस सर्टिफिकेट छापून ज्या स्कूलने स्कूल चालू केलेली होती त्यांच्यावर आम्ही कारवाई केली आहे, त्यांच्यावर FIR सुद्धा केली आहे, दंड ठेवून बंद केली आहे। अशा ज्या केसेस आहेत त्या कशा रीतीने रेग्युलराइज करता येतील याचा आम्ही विचार करतोय। आणि आपण म्हणत असाल की अशी जर नोटीस दिली असेल की 800 विद्यार्थी आहेत परंतु बंद करण्याची नोटीस असेल, मी ते ताबडतोब कागद मागवून घेतो, आपण माझ्याकडे घेऊन या, आपण तिथं जोपर्यंत पर्यायी व्यवस्था होणार नाही किंवा ते रेग्युलराइज होणार नाही तोपर्यंत त्यांची ते बंद पडणार नाही याची काळजी घेऊ।
इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मालेगांव, जहां एम फार्म, बी फार्म और डी फार्म में दाखिले जारी हैं। इस सुनहरी मौके का तमाम तलबा फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया नाजरीन हमारे चैनल को देखने का।